नमस्कार, झारखंडी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए झारखंड राज्य के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। केंद्र सरकार ने 2 हफ्ते और बढ़ाया लॉकडाउन। खबरों के अनुसार केंद्र सरकार ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किया है जिसके अनुसार लॉकडाउन अब 17 मई तक जारी रहेगा। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के रांची, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा तथा पूर्वी सिंहभूम में कुछ स्थानों पर अगले 2 से 3 घंटों में हल्की मेघ गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि इन जिलों में वज्रपात भी हो सकते हैं। हजारीबाग में हुए बारिश के कारण किसानों को खेती बर्बाद हो रही है। लॉकडाउन के बाद पहली बार चली ट्रेन द्वारा कोटा और हैदराबाद में फंसे मजदूर और छात्र पहुंचे झारखंड। खबरों के अनुसार लिंगमपल्ली हैदराबाद से हटिया झारखंड तक चलाई गई विशेष ट्रेन आज सुबह रांची पहुंच गई। इस विशेष ट्रेन में लगभग 1200 मजदूर झारखंड वापस लौटे। सभी मजदूरों को रांची रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग की गई। उसके बाद उन्हें बस द्वारा क्वारंटाइन सेंटर व होम क्वारंटाइन के लिए भेजा गया। साथ ही 1 मई कल शाम को 2 और स्पेशल ट्रेन राजस्थान के कोटा से रवाना हुई। झारखंड में 2 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है जिसमें हिंदपीढ़ी से 1 और पुदांग से 1 है। झारखंड में अब संक्रमितों की संख्या 111 से बढ़कर 113 हो गई, जबकि कुल 21 लोग ठीक होने के बाद होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिए गए हैं। वहीं 3 मृत्यु हो चुकी है। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 37,257 है। पलामू सांसद बीडी राम ने बताया कि पलामू के 250 और गढ़वा के 420 मजदूर आज विशेष ट्रेन द्वारा घर लौटे। सभी मजदूरों का चिकित्सकीय जांच होने के बाद उन्हें 14 दिन तक होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि ट्रक की एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही के लिए अलग से किसी पास की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रक चालकों के पास वैध लाइसेंस होना ही काफ़ी है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे ट्रकों को बिना रुकावट आवाजाही सुनिश्चित करें। ट्रक में माल लोड हो या अनलोड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रवासी मजदूरों और छात्रों के लिए 400 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की मिली मंजूरी। खबरों के अनुसार 1 मई को श्रमिक दिवस के अवसर पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है ताकि विभिन्न राज्यों में फंसे श्रमिक छात्र और तीर्थयात्री अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुँच सके। सूत्रों के अनुसार रेल मंत्रालय ने 400 ट्रेन प्रतिदिन चलाने की तैयारी कर दी है। आवश्यकता पड़ने पर इसे 1000 ट्रेन प्रतिदिन तक किया जा सकता है जिससे कि सभी मजदूर अपने घर वापस लौट सके। जेपीएससी में गड़बड़ी, कम अंक लाकर हो गए पास। खबरों के अनुसार झारखंड लोक सेवा आयोग की 6ठी सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम में भी कई तरह की गड़बड़ी सामने आई है। फाइनल रिजल्ट में कट ऑफ मार्क्स के बराबर नंबर लाने वाले को आयोग, वहीं कम नंबर लाने वाले को सफल घोषित किया गया। इसके अलावा मेरिट लिस्ट के लिए पेपर 1 का भी नंबर जोड़ा गया है। लॉकडाउन के दौरान बुजुर्गों के दवा हेतु पुलिस द्वारा मदद दी जा रही है। वैसे बुजुर्ग जिनके घर में उनकी मदद के लिए कोई नहीं है, वे 100 पर कॉल कर प्रतिदिन प्रशासन द्वारा अपना जरूरी दवा प्राप्त कर सकते हैं। बीते दिन 22 बुजुर्गों ने 100 पर कॉल किया जिसमें से 16 बुजुर्गों के दवा पुलिस प्रशासन द्वारा दिया गया, जिसमें से रांची जिला से 12, पलामू से 1, धनबाद से 1 और बोकारो से 2 हैं। डीजीपी एमबी राव की पहल पर यह आकस्मिक व्यवस्था की गई है। पास बनवाने के लिए करना पड़ रहा है 48 घंटा का इंतजार। खबरों के अनुसार रिम्स में बेहतर इलाज हेतु आए मरीजों का इलाज के दौरान मौत होने के बाद शव को ले जाने के लिए 24 से 48 घंटों तक जद्दोजहद करनी पड़ रही है। शव ले जाने के लिए पास बनवाने के लिए डीटीओ कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, आवेदन लेकर घूम रहे हैं, लेकिन पास निर्गत नहीं किया जा रहा है। प्रवासी मजदूरों को घर वापसी हेतु मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड से बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना की है। उन्होंने कहा है कि हर संभव मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जरूरत पड़ी तो हवाई जहाज से भी लाएंगे। मुख्यमंत्री ने पूरा प्लान बना लिया है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 3 लाख मजदूर को झारखंड लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यूपी में फंसे मजदूरों को लाने हेतु बस भेज दिया गया है।
तथा अधिक दूरी वाले राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल के लिए विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी मजदूरों और छात्रों को कहा कि धैर्य रखें, सरकार आपके साथ है। केंद्र सरकार ने सभी को झारखंड में आने की अनुमति दे दी है। अब हमारा ये दायित्व बनता है कि हम आपको कैसे झारखंड लेकर आए। हमने फंसे लोगों के लिए कार्य योजना तैयार कर ली है और लाने का कार्य अब अंतिम चरण पर है। आप घबराएं नहीं, आपको सकुशल सुरक्षित झारखंड लेकर आएंगे। देश में लॉकडाउन 3.0 के दौरान रेल, स्कूल, कॉलेज, वायु सेवा इत्यादि बंद रहेंगे। खबरों के अनुसार गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश की खास बात यह है कि लॉकडाउन 3.0 में भी रेल और वायु सेवा पर प्रतिबंध जारी रहेगा। रेल, वायु सेवा और सड़क मार्ग द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। झारखंड के स्कूलों में मध्याह्न भोजन का चावल घर तक भेजा जाएगा। खबरों के अनुसार लॉकडाउन से लेकर गर्मी की छुट्टी तक के मध्याह्न भोजन का चावल बच्चों को घर तक पहुंचाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने पहले 17 मई से 14 अप्रैल तक के चावल का वितरण किया था। अब 15 अप्रैल से लेकर 15 जून तक के चावल का वितरण किया जाएगा। इसके साथ कुकिंग कास्ट की भी राशि बच्चों के खाते में भेज दिए जाएंगे। स्वदेशी ऐप बनाकर 5 लाख जीत सकते हैं छात्र। सूत्रों के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी संस्थान ने लॉकडाउन में तकनीकी संस्थानों के विद्यार्थियों का मनोबल ऊंचा करने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया है। विद्यार्थियों को स्वदेशी ऐप निर्माण करना होगा। विजय विद्यार्थियों को 5 लाख व IIT रोपण में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। रांची रिम्स में 3 दिन तक नहीं होगी संक्रमण की जांच। खबरों के अनुसार राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में अगले 3 दिनों तक संक्रमण की जांच नहीं होगी। रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के एक कर्मी में संक्रमण रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ICMR के निर्देश के आधार पर जांच केंद्र को अगले 3 दिनों के लिए बंद किया गया है। फिलहाल TV सेंटर इटकी में जाँच होगी। रांची के वकीलों ने रखा उपवास। लॉकडाउन के कारण राज्य में वकीलों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। राज्य सरकार से सहायता की मांग को लेकर वकील ने उपवास रखा। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष ने जरूरतमंद वकीलों को मदद देने की मांग की है। रिम्स निदेशक डॉक्टर DK सिंह को हटाने पर भाजपा ने उठाए सवाल। सूत्रों के अनुसार भाजपा दल के नेता बाबूलाल मरांडी और निर्दलीय विधायक सरजू राय ने इस मामले पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सवाल उठाया है। दोनों ने कहा कि इस संकट में निदेशक को हटाने का फैसला सही नहीं होगा। ऐसे में राज्य को चिकित्सक व बेहतर व्यवस्था की जरूरत है। महिला डॉक्टरों की रिपोर्ट निगेटिव। लेबर रूम एक बार पुनः शुरू। सूत्रों के अनुसार रिम्स के स्त्री एवं प्रसूति विभाग की दोनों यूनिट के सभी डॉक्टरों की जाँच रिपोर्ट निगेटिव आई है। अब विभाग व लेबर रूम में काम शुरू हो गया है। कोडरमा के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती एक वृद्ध की मौत। खबरों के अनुसार सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई है। उनका सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, रिपोर्ट अभी बाकी है। स्थिति बिगड़ने पर बीती शाम रिम्स रांची भी रेफर किया गया था, पर रांची पहुँचने से पहले ही मौत हो गई। फिलहाल कोडरमा से एक भी पॉजिटिव केस नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा कि झारखंड में रांची जिला रेड जोन में है, वही 9 जिले ऑरेंज व 14 जिला ग्रीन जोन में हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है, किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है। उन्होंने बताया कि मास्क, PPE किट पर्याप्त मात्रा में है। फैक्ट्रियों और ईंट भट्टों में नहीं शुरू हुए काम। खबरों के अनुसार लॉकडाउन में भारत सरकार ने फैक्ट्रियों और ईंट भट्टों समेत औद्योगिक इकाइयों में काम शुरू करने का निर्देश दिया है, लेकिन स्थानीय प्रशासन औद्योगिक के प्रबंधकों के कर्मचारियों या मजदूरों को इसके लिए जरूरी पास नहीं दे रहा है, जिसके कारण काम शुरू नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मजदूरों के लिए दिन रात लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सभी 15 IAS अफसर अपने कार्य में लग गए हैं, हम दिन रात मजदूरों की ही चिंता में हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर हवाई जहाज से भी लोगों को वापस लाया जाएगा। घबराएं नहीं, धैर्य बनाए रखें। रांची के हिंद पीढ़ी, अपर बाजार, कोनका रोड, PP कंपाउंड व
कडरू में घर घर होगा सर्वेक्षण। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी ने राज्य के सभी डीसी को लार्ज आउटब्रेक प्लान तैयार करने को कहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में 15 से अधिक केस होने पर लार्ज आउटब्रेक घोषित करें। उन्होंने कहा कि घर घर जाकर जांच का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सक्षम व्यक्ति गाड़ी बुक कर झारखंड लौट सकते हैं। सभी जिला में जिला कलेक्टर को निर्देश दे दिया गया है कि वे अविलंब पास निर्गत करें। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें और आप हमें कमेंट में अपना राय अवश्य दें। थैंक यू।